वर्ल्ड कप खिताब जीतने के बाद इंडिया अंडर 19 वुमेन्स टीम भारत के गर्व का ताज बन चुकी है। लेकिन ये कामयाबी खिलाड़ियों के अलावा कुछ और हस्तियों के बुलंद सपने और कड़ी मेहनत का नतीजा है। तो आज इस वीडियो में हम जानते हैं आखिर कौन है ये टीम की चीफ कोच नौसीन अल खादर और चीफ सिलेक्टर नीटू डेविड। इनके बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो में। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स क्रेजी और हम आपके लिए इसी तरह से डिस्टिंक्ट स्पोर्ट्स कंटेंट लेकर आते हैं। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेगा। बढ़ते हैं रिपोर्ट की तरफ। ये दोनों ही इंडियन वुमेन्स क्रिकेट टीम की मेंबर्स रह चुकी हैं और इंटरनेशनल मैचेस भी खेल चुकी हैं भारत के लिए। अंडर 19 वर्ल्ड चैंपियनशिप की घोषणा होने के बाद चीफ सिलेक्टर नीटू डेविड को एक उम्मीद की किरण दिखी और अंडर 19 नेशनल वुमेन्स टीम बनाने की प्रयास में जुट गई। पैंडेमिक ने राह को मुश्किल तो जरूर किया, लेकिन इनके जज्बे ने इन्हें हार नहीं मानने दिया। BCCI, NCA और NCA के इस वक्त हेड VVS लक्ष्मण की मदद से सिलेक्टर्स ने 125 प्लेयर्स को शॉर्टलिस्ट किया। 20 आपसी मुकाबलों के बाद 30 क्रिकेटर्स को फिर शॉर्टलिस्ट किया गया। 5 दिसंबर 2022 को देश भर के शानदार प्लेयर्स में से 15 को वर्ल्ड कप के लिए फाइनली सिलेक्ट कर लिया गया। BCCI ने टीम की ट्रेनिंग के लिए चीफ कोच नौसीन अल खादर को चुना। नौसीन अल खादर के बारे में आपको बता देता हूँ कि एक कोच रह चुके हैं रेलवे टीम की। 1997 में इन्होंने अंडर 16 क्रिकेट मैच खेला है कर्नाटका के लिए और उसके साथ साथ इन्होंने मिताली राज के साथ भी खेला है डोमेस्टिक लेवल पर। जब इन्होंने शुरुआत करी अपने क्रिकेट करियर की बतौर खिलाड़ी तो एक मीडियम प्लेस बॉलर थी और धीरे धीरे उन्होंने अपने गेम को तब्दील करते हुए ऑफ स्पिनर बन गए। जब इनका डेब्यू हुआ 2002 में तो वह सेकेंड हाइएस्ट विकेट टेकर बनकर उभरी बिहाइंड करंट चीफ सेलेक्टर जो उस वक्त है नीतू डेविस। अगर मैं आपको बताऊं इनके कंट्रीब्यूशन के बारे में बतौर खिलाड़ी तो 78 ODIs, 5 टेस्ट मैच और 2 T20s में भारत का प्रतिनिधित्व ये कर चुकी हैं और इन्होंने कंट्रीब्यूट किया था भारत के वर्ल्ड कप 2005 में, जहां पे भारतीय टीम जो है वो सेमीफाइनल में पहुंची थी काफ़ी लंबे अंतराल के बाद। अनफॉर्चुनेटली जो टीम थी वो हार गई थी और ट्रॉफी नहीं जीत पाई, ऑस्ट्रेलिया से उसको हार मिला। लेकिन उनका कोचिंग करियर जो है उसको एक नई शुरुआत मिल गई 2012 से और ये हैदराबाद टीम कोच के प्रपोजल को भी एक्सेप्ट कर चुकी हैं। वहाँ पे भी उन्होंने काम किया 5 साल तक और जब इन्होंने काम करना शुरू किया हैदराबाद की टीम के साथ तो जो टीम थी अगर आप उनको देखेंगे तो 27वें नंबर से वो फर्स्ट ईयर में ही एलीट ग्रुप में शामिल होना शुरू हो गए। हैदराबाद के बाद इन्होंने कोचिंग करी छत्तीसगढ़ टीम की और उसके बाद रेलवेज की कोच रही, जैसे मैं आपको बता चुका हूँ। अभी इस वक्त इनकी उम्र है 50 साल और ये हो सकता है कि वो रिटायर भी हो जाएं बहुत जल्दी, लेकिन बतौर कोच तो ज़रूर वो कंटिन्यू करना चाहेंगी जितना वो कर सकती हैं। अगर इनकी माने तो टीम की कोई अंतर्राष्ट्रीय एक्सपीरियंस नहीं था जब अंडर 19 टीम का चुनाव किया गया, 15 खिलाड़ी चूज़ किए गए, तो ट्रेनिंग स्ट्रैटेजी के तहत इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच में मैच कराया गया। धीरे धीरे कुछ इस तरह से टीम को एक एक्सपोजर दिया गया, एक प्लेटफॉर्म दिया गया ताकि टीम जो है वो एडजस्ट कर पाए, टीम जो है वो कंडीशन से एक्लिमेटाइज कर पाए और उसके बाद इस टीम ने बेहतरीन प्रदर्शन करके दिखाया आपको और जिस तरह से परफॉर्म किया सबके सामने है। सिर्फ और सिर्फ एक ही मैच हारा पूरे टूर्नामेंट में और वो मैच था ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, अदरवाइज उसने सारे मैचेस जीते और फाइनली वर्ल्ड कप की ट्रॉफी उठा ली। तो जो कंट्रीब्यूशन था उसके लिए हम प्लेयर्स को तो बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, प्लेयर्स को हम बहुत सराहना दे रहे हैं, लेकिन प्लेयर्स के पीछे जो हीरोज़ हैं जिसमें नौसीन अल खादर हैं और नीतू डेविस हैं, उन्हें हमें नहीं भूलना चाहिए। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। आपसे फिर मुलाकात होगी। गुड बाय फॉर नाउ।